जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो वर्तमान दौर में बिजली गुल होने पर इन्वर्टर का ही सहारा होता है। तो बिजली के उपकरण हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बिजली के यही उपकरण घर में गलत स्थान पर स्थापित है तो ये घर में कई तरह की परेशानियाँ और मुसीबतों को पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए घर में वास्तु के अनुसार बिजली के उपकरण रखा जाना बेहद आवश्यक है। कई बार वास्तु नियमों की जानकारी के अभाव में ये बिजली के उपकरण ऐसी स्थिति में रखे होते हैं, ऐसे स्थान पर रखे होते हैं कि ये घर में बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। दूसरा, हम विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टेलीविज़न या फिर बिजली के अन्य उपकरण, इन्हें अपनी सहूलियत के अनुसार ही घर में स्थान देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि इन्हें अनुकूल दिशा में, सही दिशा में स्थान दिया जाए तो जीवन में अधिक सहूलियत रहती है, खासकर इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो दिन भर चलता है, दिन रात चलता है। फ्रिज भी ऐसा ही उपकरण है, लेकिन इन्वर्टर ऊर्जा को जनरेट करने वाला उपकरण होता है और इसीलिए इसका सही स्थान पर होना बेहद जरूरी है। यानी कि बिजली के उपकरणों का सही दिशा में होना और ना होना सीधे सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देखिए, ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का संबंध आर्थिक समृद्धि से माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से आग्नेय कोण यानी कि अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा का संबंध बहुत हद तक स्वास्थ्य से ही माना गया है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बिजली के उपकरणों को रखने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि अग्नि कोण सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि ये कोण, ये दिशा ऊर्जा की दिशा है। बिजली के उपकरणों को स्थापित करने के लिए वास्तु सिद्धांतों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यदि हम वास्तु की दृष्टि से दिशाओं के महत्व की बात करें तो उत्तर पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है। इस कोण को वास्तु दोष से मुक्त रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दिशा अग्नि तत्व का स्थान माना गया है और इसीलिए बिजली के सभी उपकरण, मीटर, बिजली का नियंत्रण और वितरण यहीं से होना चाहिए। ऐसा करके अग्नि तत्व को संतुलित रखा जा सकता है। अग्नि तत्व का असंतुलन घर में तरह तरह के रोगों को आमंत्रित करता है और यदि समय रहते इन दोषों का निवारण ना किया जाए तो कई बार साधारण बीमारियां भी गंभीर रूप धारण कर लेती है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के वास्तु दोषों के कारण परिवार के सदस्यों को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिजली के उपकरण जैसे कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, फ्रिज, ये सभी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न करते हैं और इसीलिए वास्तुशास्त्र में इनके लिए अग्नि कोण, आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा को सबसे उपयुक्त दिशा माना गया है। रसोई घर के लिए भी यही दिशा सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार के वास्तु दोष होने पर आप कुछ वास्तु उपायों को अपना सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप सही दिशा में उपकरणों को स्थापित करें, खासकर इन्वर्टर, फ्रिज, जो हीट पैदा करने वाले, ऊष्मा पैदा करने वाले, ऊर्जा पैदा करने वाले उपकरण हैं, उन्हें आप अग्नि कोण में रखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में गलत प्रयोग के कारण वास्तु दोषों से ग्रस्त मकान में रह रहा है तो आपको कुछ उपाय अपना लेने चाहिए, जिससे आप वास्तु दोषों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यानी कि नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकें। तो अग्नि तत्व के असंतुलन से परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और पैसों की यानी कि आर्थिक समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ सकता है। इन खतरों को कम करने के लिए अग्नि तत्व का शांत रहना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं, दक्षिण पूर्व कोण में यानी कि अग्नि कोण में सरसों के तेल का एक दीपक आप नियमित रूप से संध्या काल के समय अवश्य जलाइए। सूर्य उदय के समय दक्षिण पूर्व कोण में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाइए और फिर कम से कम 108 गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इससे भी अग्नि कोण की ऊर्जा बनी रहती है। मकान के सभी कमरों में इस दिशा को नियंत्रित रखकर मकान के दक्षिण पूर्व कोण में मौजूद किसी भी वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आप संपूर्ण मकान के अग्नि कोण को उपयोग में नहीं ले सकते हैं इन उपकरणों के लिए, तो आप जिस कमरे का उपयोग ले रहे हैं, जिस स्थान का उपयोग ले रहे हैं,
वहाँ पर इन उपकरणों को रख सकते हैं, जैसे कि फ्रिज या फिर इन्वर्टर, खासकर इन्वर्टर जहाँ आप रखें, जिस स्थान पर रखें उसका अग्निकोण आप चयन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे मकान का ही, पूरे प्लॉट का अग्निकोण उपयोग करें, लेकिन जिस भी जगह पर, मान लीजिए कि आपने किसी रूम में रखा हुआ है तो उसका अग्निकोण यूज़ कीजिए। यदि आपने हॉल में रखा हुआ है कहीं तो उसका अग्निकोण आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अग्निकोण में ऊर्जा वाली वस्तुओं को रखकर आप अग्निकोण के दोषों को सही कर सकते हैं, और कुछ उपाय जो हमने आपको बताए हैं इनके अनुसार भी आप अग्निकोण को एक्टिव रख सकते हैं, उसकी ऊर्जा को बरकरार रख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटे के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।